नए लॉन्च होने की वजह भी यही है कि भारतीय लोग काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, चाहे आप बात करें इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट की या फिर टू व्हीलर सेगमेंट की, दोनों में ही काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। साल 2023 एक तरीके से इलेक्ट्रिक के नाम भी रहा है, जिस तरीके से नए लॉन्चेस और इतनी शानदार सेल्स आपको देखने को मिली। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 12 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स के बारे में, जो नवंबर 2023 में सबसे ज्यादा बिके हैं और अक्टूबर से भी उसको कंपेयर कर लेंगे। आप देख रहे हैं ओके कार ईवी यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो वीडियो है वो हमने आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की 12th पोजीशन पर आने वाली ऑडी के साथ में। नवंबर में 11 यूनिट्स बेची हैं ऑडी ने और अक्टूबर में 19 बेची थी। 122 यूनिट टोटल बेची हैं जनवरी से लेकर के नवंबर महीने तक पूरे साल 2023 में। ऑडी की तरफ से 6 कार्स आती हैं मार्केट में इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में। इसके बाद 11th पोजीशन पर पोर्शे, 5 कार्स बेची हैं नवंबर 2023 में, 15 बेची थी अक्टूबर में। जनवरी से लेकर के नवंबर तक 67 कार्स इन्होंने बेची हैं इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में। यहां पर इनके पास 4 कार्स हैं इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसकी कम से कम भी प्राइस 1,61,00,000 रुपए से शुरू होती है। 10th पोजीशन पर किया इंडिया, 29 यूनिट्स बेचे हैं नवंबर में, 49 बेचे थे अक्टूबर में। जनवरी से लेकर के नवंबर 2023 तक किया ने 395 यूनिट्स बेचे हैं पूरे भारत के अंदर। केवल एक ही प्रोडक्ट इनका भी अवेलेबल है मार्केट में, किया EV6, और इसके अलावा किया EV1 से लेकर के किया EV9 तक इन्होंने ट्रेडमार्क कर लिया है नाम इंडिया के अंदर। 2030 तक ये प्रोडक्ट आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, यानी कि लॉन्चेस 2025-26 से होते रहेंगे और आगे तक मिलते रहेंगे आपको देखने को। इसके बाद 9th पोजीशन पर मर्सिडीज, 53 यूनिट्स बेचे हैं नवंबर में और 34 बेचे थे अक्टूबर में। सेल्स काफी अच्छी हुई है मर्सिडीज बेंज इंडिया की और पूरे साल भर में 416 यूनिट बेचे हैं इन्होंने नवंबर 2023 तक। मर्सिडीज की तरफ से 7 कार्स मार्केट में आती हैं, साथ ही साथ एक बजट में भी कार रिसेंटली लॉन्च की थी मर्सिडीज बेंज EQB, जो कि जिसकी प्राइस 74,50,000 रुपीज है इंडिया में। इसके बाद वॉल्वो 8th पोजीशन पर, 66 यूनिट बेचे हैं नवंबर में और 51 बेचे थे अक्टूबर 2023 में। वॉल्वो इंडिया काफी सेफ्टी वाली गाड़ियां बनाने के लिए मशहूर है, इसके अलावा इनके प्रोडक्ट जो होते हैं काफी लग्जूरियस भी होते हैं। यहां पर वॉल्वो ने जनवरी से लेकर के नवंबर तक 494 यूनिट्स बेची हैं अपनी इलेक्ट्रिक कार्स की। यहां पर सबसे अफोर्डेबल कार जो है वो XC40 रिचार्ज है, जिसकी एक्शोरूम प्राइस 56,90,000 रुपीज से शुरू होती है और यहां पर 1 करोड़ रुपए के नीचे ही इनकी सभी इलेक्ट्रिक कार देखने को मिल जाती है लग्जरी सेगमेंट में। इसके बाद 7th पोजीशन पर PCA, यानी कि जो सिट्रोएन आती है वो 121 यूनिट्स बेची हैं नवंबर में और 172 यूनिट्स बेचे थे अक्टूबर में। ओवरऑल देखा जाए तो साल 2023 में जनवरी से लेकर के नवंबर तक PCA ऑटोमोबाइल्स ने 1,884 यूनिट्स बेचे हैं। सिट्रोएन की तरफ से EC3 अभी मार्केट में अवेलेबल है, जो काफी अफोर्डेबल प्राइसिंग में आती है और दिखने में भी काफी डिसेंट लुक में आती है। इसकी वजह से सेल्स काफी अच्छी हुई है। फिलहाल आने वाले टाइम में देखते हैं ये और कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करता है मार्केट में। इसके बाद BYD इंडिया 6th पोजीशन पर, 122 यूनिट्स बेचे हैं नवंबर में और 137 बेचे थे अक्टूबर में। ओवरऑल देखा जाए तो साल 2023 में 1,804 यूनिट्स बेचे हैं जनवरी से लेकर के नवंबर तक। इनकी BYD E6 काफी टाइम पहले से ही अवेलेबल थी मार्केट में, लगभग 29,00,000 रुपीज की एक्शोरूम प्राइस पर, और इसी साल BYD Atto 3 को भी लॉन्च किया गया 34,00,000 रुपीज की एक्शोरूम प्राइस पर। 5th पोजीशन पर Hyundai, 160 यूनिट्स बेचे हैं नवंबर में और 194 बेचे थे अक्टूबर में। Hyundai इंडिया ने इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में पूरे साल में जनवरी से लेकर नवंबर तक 1,467 यूनिट्स बेचे हैं टोटल। Hyundai की तरफ से 2 कार्स मार्केट में अवेलेबल हैं, Hyundai Kona इलेक्ट्रिक जो कि बजट सेगमेंट में आती है लगभग 24,00,000 रुपीज के एक्शोरूम प्राइस पर, और Hyundai Ioniq 5 जो कि लग्जरी सेगमेंट में आती है लगभग 46,00,000 रुपीज की एक्शोरूम प्राइस पर। 4th पोजीशन पर BMW, 262 यूनिट्स बेचे हैं नवंबर में और 93 यूनिट्स बेचे थे अक्टूबर 2023 में। BMW की तरफ से 6 कार्स मार्केट में आती हैं और यहां पर सबसे अफोर्डेबल कार जो इनकी तरफ से आती है वो 67,00,000 रुपीज एक्शोरूम प्राइस पर iX1 आती है। यहां पर BMW इंडिया ने ओवरऑल देखा जाए तो जनवरी से लेकर के नवंबर 2023 तक भारत में 1,101 यूनिट्स बेचे हैं। 3rd पोजीशन पर महिंद्रा, 494 यूनिट्स बेचे हैं नवंबर में और 270 यूनिट्स बेचे थे अक्टूबर में। जनवरी से लेकर के नवंबर तक महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में 3,510 यूनिट्स बेचे हैं टोटल।
महिंद्रा की तरफ से फिलहाल XUV 400 ही इंडिया में अवेलेबल है 16 लाख रुपीस की एक्शोरूम प्राइस पर, और बहुत जल्द यानी नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग मंथ्स में ही इसका अपडेटेड वर्जन भी आपको देखने को मिलने वाला है। फिलहाल इस पर काफी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग कार ब्रांड बना MG। MG इंडिया ने 891 यूनिट्स बेचे हैं नवंबर में और 922 बेचे थे अक्टूबर 2023 में। ओवरऑल देखा जाए तो साल में जनवरी से लेकर के नवंबर 2023 तक MG मोटर इंडिया ने 8420 यूनिट्स बेचे हैं इंडिया में इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में। यहां पर इनकी दो कार्स मार्केट में अवेलेबल हैं, MG कॉमेट EV और ZS EV। कॉमेट EV की प्राइस लगभग 8 लाख रुपीज से शुरू होती है और MG ZS EV की 23 लाख रुपीज से। और अब MG मोटर के अंदर भी एक इंडियन ब्रांड ने लगभग 37% की पार्टनरशिप ले ली है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट इंडियन ब्रांड ही ये बन चुका है। तो यहाँ पर और अब सुनने में ये आ रहा है कि ये अफोर्डेबल प्राइसिंग में भी आने वाला है। यहाँ पर अब इसकी सेल्स में और भी अच्छा बूम देखने को मिलने वाला है आने वाले साल में। और नंबर वन पोजिशन पर इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में टाटा मोटर्स 4824 यूनिट्स बेचे हैं नवंबर में, 5480 यूनिट्स बेचे थे अक्टूबर में। जनवरी से लेकर के नवंबर 2023 तक 54,491 यूनिट्स बेचे हैं टाटा मोटर्स ने। यहां पर टाटा मोटर्स की तरफ से इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में भी बैक टू बैक अपडेट्स मिल रहे हैं। टाटा टियागो ईवी आती है हैचबैक सेगमेंट में काफी अफोर्डेबल प्राइसिंग में, टिगोर ईवी आती है सेडान सेगमेंट में, और एसयूवी में आती है नेक्सॉन ईवी। यानी कि आपके पास सभी चॉइसेस हैं, बजट आपका 10 से 20 लाख रुपए तक है तो ये बजट सेगमेंट की गाड़ी है। और नेक्स्ट ईयर 2024 में कर्व ईवी, हैरियर ईवी और 2025 में सियरा ईवी भी आने वाली है। यहां पर अगर आपका बजट 25 लाख रुपीज से 40 लाख रुपीज तक भी है तो भी प्रोडक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और 60-70 लाख रुपीज में अवर्निया भी आ सकती है जो कि 2025 में लॉन्च की जानी है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।